आंखों का पानी दिल की कहानी कहता है, कोई फसाना दिल में पुराना रहता है, कोई अपना या सपना है कुछ ना समझ पा चल बुढ़िया कलमा पढ़ ले, तेरा तो आखिरी वक्त आ गया है। जी कहाँ से चले जा रहे हैं आप मेरे घर के अंदर? मिस्टर रहमर, आप कार्रवाई में दखल ना दें, किसी की जिंदगी का सवाल है। किसकी जिंदगी का सवाल है? इस घर में कोई पेशेंट है जी, मेरी मामा वो कोमा में है। क्यों? एक सेकंड भी लेट हुए तो उनकी जान जा सकती है। और तुझे पता है ना हसीना कितनी खतरनाक है, अभी मुझे बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि वो ना सारी कहानी तेरे ऊपर डाल देगी। साहब जी, मुझे आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूं। रख दो। कहीं जा रही हो तुम? नहीं, मैं तो आपके लिए तैयार हुई हूँ जी। क्यों? आप मेरे सर के साए हैं ना, आपके लिए तैयार होना सजना संवरना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जानती ये बात। वो डॉक्टर ने साहिबा ने कहा था अपने शौहर से कहना कि तुम्हारा ख्याल रखे। इस हाल में ना लड़की को खुश रखना बड़ा जरूरी है। किस हाल में? क्या बोल रही हो तुम? ओ साहब जी, आप एक दफा फिर से डैड बनने वाले हैं। साहब जी, आप एक दफा फिर से डैड बनने वाले हैं। बस यही थी आपकी मोहब्बत कि मेरे मरते ही सब कुछ बदल गया, मैं और मेरा रिश्ता। मेरे रिश्ते में हिस्सा डालने वाली कोई और आ गई आपकी जिंदगी में। अहमद, मेरी तरह आपको कोई और प्यार कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है बताए मुझे। मासूम, आप मुझे गलत मत समझो मासूम,
मैंने हमेशा तुमसे ही मोहब्बत की। वो मेरे पास आई, मुझे लगा कि तुम आ गई हो। बहुत बड़ी गलती है। मुझे माफ कर, मेरी गलती को गुनाह मत समझो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ अहमद, ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। अम्मा सुनो, अहमद की जिंदगी में उसकी मोहब्बत में कोई और नहीं आ सकता। प्लीज साहब जी, आप एक दफा फिर से डेड बनने वाले हैं। मैं बेवफा निकला, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपना रिश्ता नहीं निभा सका तुम्हारी आखिरी सांस के साथ। टूट जाने वाले दिल को तो तुम्हारे साथ ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी धड़का, ये धड़कता रहा। हाँ मासूमा, मैं बेवफा निकला। ये ले मिठाई खा। शन्नो, शन्नो काम कर रही हूँ। शन्नो ले मिठाई खा। हाँ ना मासी, तू तो गांव जाने वाली थी ना, फिर अचानक से ये मिठाई क्यों बांटती फिर रही है? अरे खबर ही ऐसी है कि जिससे कलेजे को ठंड पड़ गई है। मासी पहलिया ना बुझवा, साफ साफ बता अब अचानक से कौन सी खुशखबरी मिल गई है जो तू मिठाई बांटती भी फिर रही है? अरे हसीना ने वो काम किया है ना कि उसके आने वाली सात नस्लें भी बैठ के खाएंगी ना, तो खत्म नहीं होने वाला। पहलियां की बुझवा रही है, बता ना साफ साफ क्या कर दिया हसीना बेगम साहिबा ने? मेरी हसीना ना सांप को वारिस दे रही है। अब मेरी हसीना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो उसके इस घर में कदम जम के जम ही गए हैं, ना उसका अब कोई तख्तो ताज हिला सकता है। बस इतनी अच्छी खबर सुननी थी कि मैंने तो गांव जाने का इरादा ही बदल दिया और बस सबको मिठाई बांटने चल निकली। है ना अच्छी खबर है? चलो और खाना मिठाई, चल मैं सबको दे कर आऊं। असल बात बताओ, क्या किया है उसने? बेगम साहिबा हसीना साहब की औलाद पैदा करने वाली है। हाँ मुंह उठाए जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। तुम्हारा अंदर जाना मना है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी छोटी बेगम साहिबा का भाई हूँ मैं। उन्हीं ने ही मना करा है तुम्हारा अंदर आने से। ये कलर बहुत सूट करता है, इसे पहन के अगर आप लाखों की भीड़ में भी खड़ी हो ना तो चमकता हुआ चांद लगती। चमकता हुआ चांद, लेकिन इस चांद की रोशनी सिर्फ आपके दिल के आसमान के लिए, जो सिर्फ आपके लिए चमकता है, पता है आपको? मैं जानता हूँ ये बात। खूब अंधेरों में जब उम्मीद की कोई किरण नहीं होती ना, तो
आपकी तरफ देखता हूँ और सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अंधेरों में भी रोशनी आ जाती है। किसके लिए सज रही मासूमा और क्यों, उसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? हैप्पी एनिवर्सरी मासूमा। हेलो। हाँ शन्नो, खैरियत है? बेगम साहिबा, घर में खैरियत ही तो नहीं है, हसीना ने यहाँ पर एक नया चांद चढ़ा दिया है। क्यों, अब क्या किया है इस औरत ने? बेगम साहिबा, हसीना ने अपना खूंटा इस घर के अंदर मजबूत करने के लिए ऐसी चाल चली है कि अल्लाह माफ करे। असल बात बताओ, क्या किया है उसने? बेगम साहिबा, हसीना साहब की औलाद पैदा करने वाली है, और आपको पता है उसकी माँ पूरे घर में मिठाई बांट रही है। मेरा तो दिल कट गया है जी। उसकी ये औकात तो नहीं है कि वो साहब का वारिस पैदा करे। हेलो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं, मैंने तुम पे क्या किया? ये तो मैंने तुमने क्या किया? मैंने तुमने ये क्या किया? हाँ, तुम्हारा शौहर तो तुम्हें इससे अच्छा एनिवर्सरी गिफ्ट दे ही नहीं सकता। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मर आपने मुझे, बहुत बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। इससे अच्छा तो गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। मर, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। जुआ कैसे उसने तुम्हें? आपको जुआ कैसे उसने? जुआ कैसे? मार डालोगे हसीना को? हाँ, मुंह उठाए जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। तुम्हारा अंदर जाना मना है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी छोटी बेगम साहिबा का भाई हूँ मैं। उन्हीं ने ही मना करा है तुम्हारा अंदर आने से। अभी बात करता हूँ। ओ बेगम साहिबा, इस गार्ड को बोलो मुझे अंदर आना है। जी नहीं, साहब जी ने ना बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया कि मुराद के लिए इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे, समझा? तू और तेरा साहब मेरे जूते की नोक पे। मेरी बात सुन, मेरा ना दिमाग वैसे ही बड़ा घुमा हुआ है। दिमाग नहीं खराब कर, और मना कर दिया ना, तू इस घर में नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। तंग करेगा तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ओ बस, मेरी सच्ची ईमानदार बहन। और सुन, तुम ये नाटक ना उनसे किया कर जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तुम्हें बड़े अच्छे से जानता हूँ, और ये बात हुए ना कुछ टाइम नहीं गुजरा, अभी मैं कुछ भेज रहा हूँ, तुम वो देखो, तुम्हारे 14 तपक रोशन हो जाएंगे। धमकियां देगा सीना को? एक मिनट रुक। अभी देख कैसे तेरी बेगम साहिबा का दिमाग सही होता है।
हाय अल्लाह, ये इसके पास किधर से चली गई? मनहूस है ये बहुत। हाय मैं मर गई। आगे खोल। हाँ बोल, कर बात। जी हाँ, आने दो इसको अंदर। जाओ, होगी बात। मनहूस मुराद, जिंदगी अजाब करके रखी हुई है मेरी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या मैं ठीक करूं? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग, और कमर में चुरा घूमने वालों के साथ ना हसीना बिल्कुल यही सलूक करती है, समझा? तेरे जैसी बेईमान बहन और तोता चश्म, ये तुर्क का पता संभाल के रखना मेरे लिए कुछ बुरा नहीं है। अपनी जबान को ना बंद कर ले, मेरे पास तेरे खिलाफ बड़ा सबूत है। तो ला, दिखा मुझे। मैंने भी तुम्हें मैसेज और वीडियो सेंड की है ना, तू भी दे। ज्यादा धमकाने की जरूरत नहीं है मुझे, समझा? और मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे वसूल करता है तू। वैसे भी चोर चक्के मेरी किस्मत में लिख दिए, किस्मत अच्छी तरह पता होता है तुम लोगों को किसी किसी पैसे किस तरह निकलवाने हैं। पैसे देखे नहीं, मुंह से राल टपकना वैसे ही शुरू हो जाती है क्या? ये तेवर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, समझा? किसी के बाप से नहीं डरती मैं। वैसे ही जिंदगी में बड़ा कुछ बुरा हो गया मेरे साथ, सारे डरवर निकल गए मेरे। बेफिक्र है, अब मैं डराऊंगा नहीं, जो कह रहा हूं ना वो करके दिखाऊंगा। और मैं भी देखता हूं ये महल और शानो शौकत कितने दिन तुम्हारे पास चलती है। आया क्यों नहीं अभी तक? ये पता नहीं कब आएगा। बादशाह, अब क्या नई कहानी सुनाने आई है? क्या इरादे हैं तुम्हारे? इरादे तो बहुत नेक हैं। ये देख, मैं तेरे लिए फूल लेकर आई हूँ। वो जो तूने शादी की बात की थी ना एक दफा, वो हाँ कहा था, और उस बात पर अभी भी कायम हो। तुम ही इकरार नहीं करती। मुझे लगा तुझे मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिया। नहीं, तू मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना मैं बस तेरी माँ और उस हसीना से बहुत डरती हूँ। उनका क्या लेना देना है तुमसे? तुम्हारा तालक मुझसे है, और तुझे कोई बोलेगा ना वो मुझसे सुनेगा। हाय अल्लाह, ऐसे ही जियाले और निडर शोहर की आरज़ू थी मुझे, जो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सके। बेफिक्र है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पूरा करूंगा। मेरी आरजू थी कि ना मेरा घर वाला कम से कम इतना तो कमाता हो कि मैं उसके साथ ना पूरी दुनिया घूम सकूं। दुनिया तो नहीं, मगर पाकिस्तान पूरा घुमाऊंगा। ऐसे क्यों? अब मुझे तो लगता है कि तू मुझे पूरी दुनिया घुमा सकता है। इतना पैसा तो तूने अब तक जमा कर ही लिया होगा ना? है तो नहीं, पर तुम्हारे लिए जुगाड़ लगाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। हसीना ने तुझे जितने जेवरात दिए हैं उससे दुगना सुना दूंगा तुझे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, लेकिन अब मुकरना नहीं अपनी बातों से, ठीक है? थैंक यू। वाह शन्नो, तेरी अदाकारी तो कमाल है। पंछी ने दाना चुग लिया तो समझो अब या तब चाल में फंसा। और तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, फिर ये? हाँ, आज बहुत खास दिन था, लेकिन अब नहीं। आखिर हुआ क्या?
साफ साफ बताओ। वो हसीना है ना, वो हर एक दिन नई चाल चलती है। आप जितनी जल्दी ठीक होंगी तो आप उसकी तमाम चालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। साहिबा, हसीना साहब की औलाद पैदा करने वाली है। उसकी माँ पूरे घर में मिठाई बांट रही है। उसकी ये औकात तो नहीं है कि वो साहब का वारिस पैदा करे। मासूमा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? और तुमने मुझसे कहा था कि आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत खास दिन है, फिर ये? हाँ, आज बहुत खास दिन था, लेकिन अब नहीं। आखिर हुआ क्या? साफ साफ बताओ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मैंने सोचा था मैं उसे अहमर की यादों के साथ सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे ये हक भी छीन लिया है। क्या 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 किया अमर ने? और देखो मासूमा, उसे तो मालूम भी नहीं कि तुम जिंदा हो, फिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इस तरह से टूट के बिखर गई हो? काश ये सच होता, मैं उस हादसे में ही मर जाती, जिंदा ही क्यों हूं मैं? देखो मासूमा, ऐसे नहीं कहते, तुम पॉजिटिव सोचो, थिंक पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव सोचूं? हसीना अहमर के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या? तुम मुझसे लिखवा लो कि हसीना ने हरकत की ही इसीलिए ताकि अहमर चाह के भी उसे अपनी जिंदगी से ना निकाल सके। अहमर उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते ना, लेकिन मुझे निकालने के लिए उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, ना मेरा सोचा ना मेरे बच्चे का सोचा। इतनी आसानी से मुझे निकाल बाहर फेंक दिया, उसे तो नहीं निकाल सकते वो। पर आज कैसे ही होता है मर्द, ऐसे ही बेवफाई करते। मेरी वफाओं का, मेरी कुर्बानियों का बहुत अच्छा सिला दिया है मर्द, बहुत अच्छा सिला दिया। अब लग रही है ना मेरी बेगम साहब, बेगम साहब कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे। बस बेगम साहब अब जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए, वरना इस घर की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। वो हसीना है ना, वो हर एक दिन नई चाल चलती है। आप जितनी जल्दी ठीक होंगी तो आप उसकी तमाम चालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। और बिलाल साहब, बिलाल साहब को भी तो आप वापस ला सकती हैं, वरना उसने जो सोच रखा है ना वो बहुत खतरनाक है। बेगम साहिबा वो चाहती है कि वो साहब जी को औलाद की खुशी देकर इस पूरी घर की गृहस्थी पे और साहब जी पे कब्जा कर ले। साहब जी आप जाए यहां से,
बेगम साहब आपसे बात नहीं करना चाहती। शनो एक मिनट, मुझे मामा से बात करनी। साहब जी, बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो रही है, आप यहाँ से जाएं। शनो एक मिनट, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन। हम अगर आपने भी ऐसे धुतकार दिया तो मेरी आंखें भी खराब हो जाएगी। साहब बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा हौसला रखें, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। एक मिनट, मुझे जरा वीडियो ऑन करने दो। हाँ मुराद, अब ये बताओ कि ये बयान तुम किसी दबाव या किसी खौफ में आके तो नहीं दे रहे? नहीं साहब, ये बयान मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर दे रहा हूँ। ना मुझ पर किसी का दबाव है, ना किसी का खौफ। मैं किसी के खौफ में आकर नहीं, अपनी मर्जी से ये बयान दे रहा हूँ। तो ठीक है, फिर हसीना की सारी हकीकत खोल के रख दो आज। बात ये है कि शुक्रिया मुराद, अगर तुम हसीना के चेहरे पे से पर्दा ना हटाते तो इंसान के रूप में नागे न जाने कितने इंसानों को डस जाती। जी हसीना है ही ढोंगी, जहां फंसती है वहीं रिश्तेदारी बना लेती है। जब ऐश के दिन आते हैं तो अपनी आंखें माथे पे रख लेती है। इस जैसी चलाक और बेदीद मैंने आज तक नहीं देखी। मासूमा, जहाँ फंसती है वही रिश्तेदारी बना लेती है। फराज, ये सब क्या है? एक बहुत बड़ा गोल जो हमने अचीव कर लिया। जब ऐश के दिन आते हैं तो अपनी आंखें माथे पे रख लेती है। इस जैसी चलाक और बेदीद मैंने आज तक नहीं देखी। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रही मुझे इस अचीवमेंट पे? मैंने तो सोचा था इस गोल के अचीव करने के बाद जश्न मनाऊंगी, लेकिन अहमर की जिंदगी में जो बदलाव आया है उसका क्या? ऐसा क्या हुआ? हसीना अब वो हसीना नहीं रही। क्या मतलब क्या तुम्हारा?
अहमर के बच्चे को जन्म देने वाले है, अब तुम ही बताओ मुझे फिर मैं कैसे उससे कटहरे में खड़ा करूं, उसे काल कोठरी में डाल दूं, बताओ तुम मुझे। ऐसा नहीं कर सकती, जब जुर्म हसीना ने किया है तो सजा भी तो उसी को मिलनी चाहिए ना। मैं उसकी तरह इतनी जालिम नहीं बन सकती फराज, मैं नहीं कर सकती है। अहमर के बच्चे को सजा नहीं दे सकती। तुम अपने प्लान से पीछे हट रही हो मासूमा। और कोई चारा भी तो नहीं है फराज, मैं अपने इंतकाम की आग में उस बच्चे का बचपन नहीं जला सकती, वो आजाद पैदा होगा, यही मेरा फैसला। तुम इस वक्त जज्बाती हो रही है मासूमा, लेकिन मासूमा ये सबूत ना मैंने बहुत मुश्किलों से हासिल किया, इसलिए इन्हें मैं अपने पास तब तक महफूज रखूंगा जब तक तुम इस फेज से निकल नहीं आती, तब बात करेंगे। फराज, 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 फराज। तुमने मुझे कहां ला खड़ा किया है, तुमने मुझे सारी दुनिया में बेइज्जत करके रख दिया है, तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया है, तुमने मुझे बेइज्जत कर दिया है। ये ले, डॉक्टर ने तुझे कहा है ना अपना बहुत ख्याल रखने के लिए। हाँ डॉक्टर पता क्या कह रही थी, कहती है अपना ख्याल रखो, अच्छा खाओ पियो, घर के साथ काम नहीं करना। हाय अल्लाह, क्या ऐसे क्या इशारे कर रही है, तीन दफा क्या खुल के बात किया कर मुझसे। हसीना मैं तो ये सोच रही थी कि तुमने झूठ बोलकर इतनी चाले चलकर अपने नाम सब कुछ करा लिया, और कल को अगर ये झूठ मूठ का बच्चा ना हुआ तो साहब जी तो हमें उल्टा लटका देंगे। हाँ दे अम्मा, तू भी ना बरसों पुराने किस्से पर परेशान हो रही है, कुछ नहीं होता, परेशान नहीं हो। ना तू कहना क्या चाहती है। अम्मा जिस तरह झूठ मूठ के बच्चे की खबर फैला दी है ना, इसी तरह झूठ मूठ का बच्चा जाया भी हो जाएगा, क्या समझी। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये झूठ मूठ में देखना तुम्हें कैसी असली सजा मिलती है, दोनों जेल जाओगी जेल। अच्छा चल ले जूस तो पी ले। क्यों तू पी ले अम्मा, मुझे कौन सा बच्चा होने वाला है। चल चली, ना तुझे बताया ना डॉक्टर ने कि जूस पीना ख्याल रखना। चलिए सेब खा। हाँ ये खा ले, कैसा है, अच्छा अच्छा ही होगा। शन्नू, हेलो शन्नू। बेगम साहिबा, हसीना का कोई बच्चा बच्चा नहीं होने वाला, हमेशा की तरह उसने इस मर्तबा भी ड्रामा रचा है। खुदाया कितनी बड़ी झूठी, इतना बड़ा झूठ बोला इसने। और क्या बेगम साहिबा, साहब पे उसने बिलावजह इल्जाम लगाया है, कोई माहवानी बनने वाली वो एक नंबर की चालबाज औरत है। बहुत जालिम औरत है, इसने तो औरत जात को ही बदनाम कर दिया है। और क्या बेगम साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा कौन करता है। हसीना तो ना औरत के नाम पर कलंक का टीका है, पक्की जहन्नमी होगी ये। शन्नम किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, उसके अमाल जाने अल्लाह जाने। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी औरत को अगर फांसी की भी सजा दी जाए ना तो भी बहुत कम है, सजा ऐसे ही मिलेगी उससे। तुम बेफिक्र रहो, वो खुद मौत मांगेगी तड़प तड़प के, लेकिन उससे मौत नहीं मिलेगी। शाबाश शन्नू, इसी तरह मुझे पल पल की खबर देती रहो। और सुनो,
मामा और बिलाल का बहुत ख्याल रखना, मेरी जान है उनमें। ठीक है बेगम साहिबा, अल्लाह हाफिज़।